आरएसएस प्रमुख ने फिर दिया विवादित बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व हमारे राष्ट्र की है पहचान। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है, उसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद के गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे भागवत, कहा हिंदुत्व में तमाम संप्रदायों को बचाने की क्षमता, लेकिन कुछ दिनों से खराब है हाजमा। और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। भागवत ने कहा अगले 10 सालों में हिंदुत्व का हाजमा कर लेंगे दुरुस्त। और खोए संतुलन, खोए दुनिया को उसका संतुलन वापस देने वाला, धर्म देने का काम विश्व गुरु बनकर करे आने वाले। इससे पहले कटक में भी संघ प्रमुख ने उठाया था हिंदुत्व का मुद्दा। कटक में भागवत ने कहा था जर्मनी में रहने वाले जर्मन, नेपाल में रहने वाले नेपाली, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू क्यों नहीं। इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है, हिंदुस्तान हिंदू होगा। देश में नेता प्रवीण तोगड़िया ने उठाया कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा, कहा घर वापसी हो सुनिश्चित। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टूटा रफ्तार का कहर, जायलो गाड़ी ने 10 लोगों को कुचला। गाड़ी से कुचलकर रेशमा नाम की महिला की मौत, घायलों में 5 की हालत गंभीर। कोड़ा इलाके के एक बाजार में हुआ हादसा, तेज रफ्तार कार पूरी तरह बेकाबू हुई, ड्राइवर के नशे में होने का शक। हादसे के बाद गिरफ्त में आए ड्राइवर की लोगों ने की पिटाई, हालत नाजुक। मंदिर से देखी मेरी गाड़ी निकलती, वहां भी 3 कॉल आया उन्होंने संडे बाजार में, तो उसने ब्रेक की जगह रेस का दबा दिया और वो एकदम सब कॉल आता चला गया। पाकिस्तान से अब देश की सुरक्षा को नए तरह का खतरा, आईएसआई सोशल साइट के जरिए खेल रही है हनी ट्रैप का खेल। आईएसआई सोशल साइट पर खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर देश के जवानों को दे रही है झांसा, हनी ट्रैप के जरिए जुटा रही है सुरक्षा जानकारियां। हैदराबाद से सेना का जवान गिरफ्तार, फर्जी फेसबुक अकाउंट से आईएसआई ने किया था ट्रैप। हनी ट्रैप की वारदात में शनिवार को मेरठ से एक शख्स की हुई थी गिरफ्तारी, आईएसआई एजेंट होने का शक। पश्चिम बंगाल से भी भारतीय सेना का जवान गिरफ्तार, पाकिस्तान के हनी ट्रैप में था फंसा। में एक बार फिर से दोहराई गई दिल दहला देने वाली वारदात, इस बार दरिंदों का शिकार बनी फैजाबाद की 12वीं की छात्रा। बोलेरो कार में सवार कुछ दरिंदों ने छात्रा का अपहरण किया, उसके बाद गैंगरेप, बाद में गंभीर हालत में लड़की को फेंका, अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों के अनुसार वारदात के दौरान लड़की के तोड़े गए दांत, दरिंदों ने सिर के बाल भी उखाड़े। 3-4 आदमी थे, 5 आदमी थे, गैंग रेप भी किया उसके साथ, उसके बाद में उसको मारा भी, उसका ऐसी ऐसी मार मारे हैं कि दांत तोड़ लिए हैं, सारे दांत भी नहीं रह गए, कोई भी बालों उखाड़ लिया गया है।
आरोपियों ने लहूलुहान हालत में लड़की को बाराबंकी जिले में सड़क पर फेंका। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में हुई मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने अपने मनमाफिक दर्ज की रिपोर्ट। रिपोर्ट में पुलिस ने महज एक आरोपी को किया नामजद, बाद में उसे गिरफ्तार किया। तीन चार पुलिस वालों ने मिलकर साथ में तहरीर लिखाई, उन्होंने मिलकर मेरे से एक आदमी की तहरीर लिखवाई। यूपी में वारदात न रोक पाने वाली पुलिस का बेशर्म बयान, कहा स्थिति नियंत्रण में है, कोई परेशानी की बात नहीं। स्थिति नियंत्रण में है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूपी में संभल के नराली इलाके में एक पिता ने बेटी की हत्या की, थाने में पुलिस के सामने जुर्म भी कबूल किया। अपनी बेटी गोली मारी, बेटी सामने समझाते नहीं मान, अगर मैं ऐसे करूँ वो तैयार वो ऐसे करेगा, घूमर जाएगा घूमर जाऊंगे। रामचंद्र ने कट्टे से बेटी के सीने पर दागी गोली, मोहल्ले के लड़के से बेटी ने की थी कोर्ट मैरिज। यूपी के सोनभद्र में एक अधेड़ 9 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश करते पकड़ा गया, रात के वक्त सोती बच्ची को किया था अगवा। बच्ची के चीखने के बाद हुआ था फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नोएडा के सालार पुल में युवक की हत्या, दोस्तों पर शक, शराब के नशे में हथौड़े से पीट पीट कर हत्या, सभी फरार। कानपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 33 लोगों को गिरफ्तार किया, जुए के बड़े अड्डे का फंड भंडाफोड़, भारी मात्रा में कैश और 33 मोबाइल जब्त। इलाहाबाद में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता नंदगोपाल गुप्ता के खिलाफ मारपीट और लूटपाट की शिकायत दर्ज, दुकानदार ने लगाया आरोप। नंदगोपाल गुप्ता ने हथियारबंद समर्थकों के साथ दुकान पर बोला था धावा, मारपीट के बाद छीने पैसे। दुकानदार ने कहा नंदगोपाल की हरकत सीसीटीवी में भी कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक बुजुर्ग पर मासूम बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप, आरोपी बच्ची का पड़ोसी। मासूम के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, केस दर्ज। दिल्ली में रोड रेज की वारदात, अनुज नाम की बाइक सवार को पास नहीं देने पर दूसरे बाइक सवार ने मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, हमलावर बाइक सवार की तलाश में पुलिस। आरोपी बाइक सवार का नाम मुकेश, बाकनेर गांव का रहने वाला है आरोपी। बिहार के छपरा में नीतीश लालू का साझा प्रचार, दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला। आरजेडी मुखिया लालू ने कहा लाल किले पर भगवा टोपी पहनकर मोदी ने देश का किया अपमान। लाल किला पर नरेंद्र मोदी पगड़ी बांध दिया गांधी बाबा का टोपी नीतीश ने भी रैली में मोदी पर जमकर निकाली भड़ास, कहा जहरीले प्रचार से बीजेपी की हुई जीत। ये जो जहरीला विचार समाज में फैलाया गया उस जहर को खत्म करने के लिए, उसके जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए
हम लोगों ने गठबंधन किया है, एक दवा का इजाद किया है, ये दवा है इसको अपनाइए, आप फिर से स्वस्थ हो जाइए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हरियाणा में खेला ब्राह्मण दाव, कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को सीएम प्रोजेक्ट किया। तो वहाँ ज्यादातर एक समुदाय का अर्थात जाट समुदाय का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है। अमित शाह की नई टीम बनने के बाद बीजेपी में फूटा विरोध का सुर, फग्गन सिंह कुलस्ते महासचिव नहीं बनाए जाने से नाराज। मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद कुलस्ते ने कहा, मुझे मिलना चाहिए था महासचिव का पद। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं, अन्यथा मुझे और कोई जरूरत ऐसा नहीं है, अगर नहीं बना सकते तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा। सहारनपुर हिंसा पर शिवपाल यादव कमेटी ने सीएम अखिलेश को सौंपी रिपोर्ट, बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर लगाए सवाल। यूपी सरकार की 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राघव लखनपाल ने लोगों को भड़काने का किया काम। रिपोर्ट प्रशासन पर उठे सवाल, कमेटी ने कहा जिला प्रशासन ने बरती लापरवाही। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, सहारनपुर के डीएम एडीएम हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने आरोपों को किया खारिज, कहा जांच करने वाले वही जो दंगाई थे। लखनपाल ने कहा, दंगे के दिन सहारनपुर में ही नहीं था, उपचुनाव के कारण राजनीतिक साजिश। मुख्य बात यह है कि कल सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई और आज इस समिति की रिपोर्ट इशू हुई, तो मैं तो इसके टाइमिंग को देख रहा हूं कि ये कैसा टाइमिंग है इनका। लखनपाल ने कहा, दंगे की जांच यूपी सरकार ने नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। अब ये नई एक रिपोर्ट इनकी समिति बनाकर ले आई है, ये सरकार की समिति थी या ये समाजवादी पार्टी की समिति थी, यही नहीं समझ आता है। फिर मोदी के समर्थन में बोले राज ठाकरे, ठाणे में कहा देश सुधारने के लिए उन्हें मिलना चाहिए और वक्त। असम में बाढ़ का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र। नौगांव जिले के समागुड़ी लवकोवा में बाढ़, सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। बहुत बड़े हिस्से में फसल हुई चौपट, कई गांवों में घुसा सैलाब का पानी। तिनसुकिया जिले में बाढ़ से तबाही, 10,000 लोग हुए प्रभावित।